on a mission to reveal the grandeur of Saturn, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. हमरे पुतवा का नासा से कॉल आया, जा रहा है बुढ़िया बिस्तर बांध के। बेटा, तुम्हारे पापा भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विदेश से बहुत बुलावा आया उनका, लेकिन वो अपने देश में ही लगे रहे। देश का नाम अरे रोशन तो का कवर लिए देश में रह के, और देसी को भारत रत्न दे दिया उनको। वैज्ञानिक तो अच्छे थे, वो तो हमें भी पता है, लेकिन इस देश में ज्ञानी लोगों का कोनो इज्जत नहीं। इज्जत और पैसा चाहिए आपको तो बस एससी और एसटी बन जाओ बस। अरे आरक्षण लूट खाया है इस देश को, हम बताए आपको का? अरे संजू बाबा को कैंसर है तो कहे जा रहे हो अमेरिका चिकित्सा के लिए? इंडिया में रह के नहीं कर सकते का? अजी आपको क्या लगता है, भारत बना लेगा कोरोना का वैक्सीन? अजी घंटा 90% लाने वालों को तो घर पे बैठा के रख दिए हो, और डॉक्टर के नाम पे 40% लाने वाले फेलुआ लोगों को रख लिए हो। अरे आपको क्या लगता है चंद्रयान 2 काहे नहीं बैठ पिया चांद के सतह पे? अरे हम बताते हैं ना आपको, वैज्ञानिक के नाम पे रख लिए होंगे उन लोगों को जिनको वैज्ञानिक का स्पेलिंगो नहीं आता होगा। नहीं आप ही बताइए, भारत वर्ल्ड कप क्यों हारा? अरे इस देश में 100 रन बनाने वालों का कोई इज्जत नहीं। इज्जत तो सचिन तेंदुलकर का बेटवा को है जो विकेट के सामने आके खाली बल्ला हिला के चला गया बस। अरे अपने सुशांत भैया को ही देख लो, आहा हा हा हा, का हुनहार लड़का था, जी नहीं पाया इस भारत में। इससे तो यही पता चलता है ना कि भारत में टैलेंट के साथ पैदा होना मतलब भारत के लिए खतरा। मार डालो जो टैलेंट के साथ पैदा हुआ, यही ना। इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और गवार और अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाता है। इस देश में 10 साल के बच्चों का पूरा टिकट और 17 साल की उम्र में रेप करने वालों को नाबालिग कहा जाता है। ई समाचार पे जरा नजर डालिए। एससी एसटी का गवर्नमेंट नौकरी में और सीट बढ़ेगा और रिजर्वेशन बढ़ेगी। अरे वाह वाह, पहले से ही देश डूबा हुआ है और इनको तो और पड़ी है। ऐसा है हमारा भारत, और ऐसा भारत में नहीं रहना हमारा, और नहीं कहलाना है हमारा भारतवासी। हमरे जैसे लोगों को भारत के बाहर बहुत सम्मान और कदर मिलता है, इसलिए आज वो सब देश भारत से आगे है। और बताई देते हैं एक बात कि जिस दिन भारत आरक्षण मुक्त हुआ ना, उसके एक साल बाद ही नया भारत का निर्माण हो जाएगा, आप देख लेना। आप